हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रूफीज़ किचन। आज हम बनाएंगे फ़िश करी। सबसे पहले हम फिश को मैरिनेट करेंगे। आधा चम्मच हम हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच मिर्च, आधा चम्मच नमक और एक चम्मच नींबू का रस डालेंगे। मसालों को अच्छे से पीसेस में लगा लेंगे। और इसे एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। मैरिनेशन के बाद हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसको गर्म होने देंगे। गर्म तेल में हम मैरिनेटेड फिशेस को फ्राई करेंगे। इसको हम हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये हल्के फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको आराम से निकाल लेंगे। हम मसाला तैयार करेंगे। तेल में आधा चम्मच जीरा डालेंगे, बारीक कटे हुए लहसुन, बारीक कटे हुए अदरक और करी पत्ते। अब प्याज डालेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद मसाले डालेंगे। आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, आधे चम्मच मिर्च, आधे चम्मच जीरा और आधे चम्मच नमक। इनको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ी देर मसालों को प्याज के साथ पकने देंगे। अब टमाटर पेस्ट डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम टमाटर को मसालों के साथ पकने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। अब फ्राई किए हुए पीसेस को हम करी में डालेंगे। और आराम से मिक्स करेंगे। और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। फिश करी तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।